तो अभी हो गए हैं इवनिंग 5:30। मैं और साहिल जा रहे हैं नीचे वहाँ, अगर आपको दिख रहा है, आई एम नॉट श्योर सन बहुत ज़्यादा, ब्यास रिवर है ये। और हमने सोचा कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है हमें जहाँ जाना है, हम थोड़ा पहले निकल लिए थे, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। ये ट्रेल है पूरा या वॉकिंग, पीछे से पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छी आ जाएंगी। और ये मैं सही बता रहा हूँ, कैमरा इज़ नॉट डूइंग जस्टिस, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे करंट ज़्यादा तेज़ नहीं है, करंट यहाँ थोड़ा तेज़ है, बट वहाँ जाके बहुत ही शांत है, बहुत ज़्यादा। और मेरी आईज कैमरे में पता नहीं कैसी लग रही है, क्यों, बिकॉज मैं शेड्स नहीं है मेरे पास, मेरे साइज़ के इस वक्त टूट गए वो ट्रिप पे आने से पहले। अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, बहुत हाइट है ये, पूरी ब्यास रिवर है। अरे व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्या पागल हो जाते हैं, हाय, कैमरे में आने के बहाने चाहिए थे। गर्मी है थोड़ी वो मैं मानता हूँ, बट अगर ब्यास रिवर करीब से देखना चाहते हैं तो इन फुल ऑफ इंडिया दिस इज द ओनली स्पॉट वेयर यू कैन रीच विद इन 1 or 2 kilometers ऑफ ट्रैक, अदरवाइज इट विल टेक यू मोर देन अ डे टू रीच ब्यास। पहाड़ों में सिर्फ ऑमलेट और मैगी के अलावा ज़्यादा कुछ चलता नहीं है दिन रात, तो मैगी और ऑमलेट को बर्न करने के लिए बेस्ट थिंग टू डू इज गो फॉर अ नेचर फॉरेस्ट वॉक। पेट का साइज है उसमें स्पेस ज़्यादा निकलेगा, कुछ ज़्यादा स्पेस होएगा गाइस तो ज़्यादा मैगी खा पाएंगे आप। कुछ भी लॉजिक शिट लॉजिक, कमेंट करिएगा ब्लॉग पे अगर ये लॉजिक शिट है तो। ये साहिल, ये अभी भी कह रहा है कि यहाँ रुकना है, जाना नहीं है, ये हो गया पागल, बिकॉज अभी थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है और हमें जहाँ जाना है वहाँ हमें टाइमली पहुँचना भी है। एक दो फोटोज़ लेके हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से गाइस हमें अभी वहाँ जाना है टॉप पे, और ये पूरा माउंटेन है स्ट्रेट, तो हम यहाँ से जा नहीं सकते, हमें ऑल द वे बैक टू देयर वहाँ से जाना पड़ेगा। पहले यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जो ट्रेल आपको दिखाई थी जाके जिसके थ्रू हम आए हैं, फिर उसके थ्रू उस ट्रेल के थ्रू हमें जाना पड़ेगा, फिर वो ट्रेल यहाँ कहीं जाती है, वहाँ से एक दूसरी ट्रेल आती है वो वहाँ जाती है, फिर वहाँ से थोड़ा रोड का रास्ता है और यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। हम पहुंच गए थे इवनिंग में ज्वाला जी, ज्वालामुखी है एक्चुअली इस टाउन का नाम, जो ये विलेज है, टाउन विलेज जो भी बोल लो। और हम यहाँ पे रुके हुए हैं गेस्ट हाउस में, अभी बहुत रात हो रही है इसलिए मैंने सोचा एक शॉट ले लेते हैं, बता देते हैं आपको कि हम इवनिंग में कब आए थे और फिर कैसे चला। तो हम इवनिंग में पहुँच गए थे और हम थोड़ा यहाँ पे लोकल घूमे थे और बाकी सारे बताएगा गाइस। ये शिमला पठानकोट हाईवे है, आप जब भी जाएंगे धर्मशाला मैकलोडगंज शिमला ये आपके रास्ते में आएगा, रास्ते पे रोड पे हाईवे है, इसका नाम है निर्मला गेस्ट हाउस, नर्मदा गेस्ट हाउस।
ये नर्मदा गेस्ट हाउस, नर्मदा होटल बोलते हैं बट ये गेस्ट हाउस जैसा है। आप रूम देखेंगे बहुत ही नीट एंड क्लीन, एसी रूम्स है, तो हाईवे पे है, आपको फायदा है। मंदिर भी अगर आप जाना चाहो, ज्वालामुखी मंदिर पीछे पीछे 100 मीटर पीछे से जगह है, आप वहाँ से अपनी गाड़ियाँ लेके जा सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टे इफ यू वॉन्ट टू विजिट द ज्वालामुखी टेम्पल एंड यू वॉन्ट टू हैव अ डिसेंट हाउस स्टे। कल हम धर्मशाला और मैक्लोडगंज से निकलेंगे तो हम आपको अपडेट देंगे कल। हाँ, कल मॉर्निंग में हमें यहाँ पे एक टेम्पल जो है ज्वालामुखी माता, एक टेम्पल है यहाँ पे माता का, सो पहले वहाँ पे जाएंगे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग दर्शन करेंगे, फिर विल हैव अ ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम विल गो हेड फॉर धर्मशाला एंड मैक्लोडगंज, जो आपने सुना ही होगा। हाँ, फेमस प्लेस, तिब्बतन कल्चर इज फुल ऑफ मैक्लोडगंज, तो यार सभी को पता है। तो हम धर्मशाला जाएंगे, वहाँ पे हम वहाँ रुकेंगे फॉर वन नाइट, और उससे पहले नहीं उसके बाद हम मैक्लोडगंज जाएंगे, वहाँ पे साइलो में हम दोनों एक ट्रैक करेंगे वहाँ पे त्रिउन का, बहुत ही मतलब देखते हैं, वी वर थिंकिंग ऑफ कि थोड़ा एडवांस ट्रैक करें। त्रिउन का एक एडवांस ट्रैक होता है, अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं लाइक डेली, तो अगर वो पॉसिबल नहीं होता सो विल थिंक कि थोड़ा कट शॉर्ट करते हैं, विल हैव अ टूर ऑफ द सिटी, थोड़ा सिटी घूमेंगे, थोड़ा लोकल कल्चर वगैरह देखेंगे, और व्लॉग्स तो मैं बनाते रहूँगा, सो आप अपडेटेड रहोगे, उसकी चिंता मत करो। बट फॉर टुडे विल साइन ऑफ, कल मिलते हैं आपसे। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्ते।